Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख वादक यंत्र और उसके वादक। तो चलिए देखते हैं कि प्रमुख वादक जैसे सितार के जो प्रमुख वादक हैं पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायत खान, ये तीनों लोग जो है सितार वादक हैं। जैसे सरोद अमजद अली खान, अकबर अली खान, अभीक सरकार, देवशीष भट्टाचार्य, राजेंद्र मिश्र, ये सभी हमारे जो है सरोद वादक हैं। उसी तरह अगर हम तबला वादक की बात करें तो अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन और लतीफ खान, किशन महाराज, ये सभी हमारे जो है तबला वादक हैं। अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, लतीफ खान और किशन महाराज। फिर उसी तरह बांसुरी की बात करें तो पन्ना लाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना, ये तीनों लोग हमारे जो है बांसुरी के वादक हैं। उसी तरह शहनाई वादक की बात की जाए तो बिस्मिल्ला खां, अली अमजद हुसैन खान, और भी लोग हैं लेकिन ये ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए उन्हीं का नाम हमने लिखा है कि ज़्यादा आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्ला खान और अली अहमद हुसैन खान। उसी तरह देखिए गिटार वादक की बात की जाए तो गिटार वादक में ब्रजभूषण कबाड़ा, ठीक, गिटार वादक में ब्रजभूषण कबाड़ा और विश्वमोहन भट्ट, ये दोनों लोग जो है गिटार वादक हैं। उसी तरह अगर वायलिन वादक की बात की जाए तो वायलिन में विष्णु गोविंद जोग, संगीता राजन, लाल गुड़ी जयरामन, बी सुब्रमण्यम, ये सभी जो है हमारे वायलिन वादक हैं। ठीक, अगर अभी हम वही संगीतकार की बात की जाए कि प्रमुख संगीतकार जो है किस स्थान के हैं, तो देखिए असम से जो है भूपेन हजारिका साहब हमारे असम से हैं, जिनको जो है भारत रत्न दिया गया था। फिर देखिए पंजाब की बात की जाए तो लालचंद हमारे कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। चरण दास चन्नी, ये हमारे हरियाणा के हैं। श्रीमती अल्लाह जिलाई बाई, ये हमारी राजस्थान की हैं। और गुजरात की हैं कांजीभूता बरोत, ये हमारी कहाँ की हैं? गुजरात की हैं। उसी प्रकार अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो अली मोहम्मद शेख, ये हमारे कहाँ के हैं? ये हमारे हैं जम्मू कश्मीर के। तो ये हमने आज क्या देखा कि प्रमुख वादक और वाद यंत्र। ठीक, तो वाद्य यंत्र में हमने देखा सितार, सरोद, तबला, बांसुरी, शहनाई, गिटार, वायलिन, ये सब हमारे थे वाद्य यंत्र, और वादक का नाम हमने ये देखा। तो आज हमने चर्चा की वादक और वाद्य यंत्र के बारे में। आप लोग जो है इसे एक दो बार तीन बार सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक, तो अब अगले टॉपिक पे मिलेंगे हम अगले दिन। धन्यवाद।